सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़े ड्रग कनेक्शन में कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम पिछले कुछ दिनों में सामने आए हैं। इनमें से एक अभिनेत्री सारा अली खान का भी नाम था। एनसीबी ने सारा को पूछताछ के लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब सारा की कभी पूछताछ के इस तरीके से पेशी हुई। जाहिर सी बात है कि ड्रग कनेक्शन में नाम आने के बाद पूछताछ होना सारा और उनके परिवार के लिए काफी परेशान कर देने वाला रहा होगा। इस बात को अब कई दिन बीत चुके हैं और इसी बीच अभिनेत्री के भाई इब्राहिम अली खान ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम फिल्मों में आने से पहले ही काफी लाइमलाइट में रहते हैं। आए दिन उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है, लेकिन पिछले दिनों सारा के चलते परिवार एक मुश्किल दौर से गुजरा है। एनसीबी ने सारा से सिर्फ एक बार ही पूछताछ की, दोबारा उन्हें नहीं बुलाया गया। इस बात से अंदाजा लगाया जा रहा है कि सारा के खिलाफ इस मामले में कोई सबूत नहीं मिले। इब्राहिम और सारा की बॉन्डिंग के बारे में तो सभी जानते हैं। दोनों अक्सर एक साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं। कभी दोनों को वेकेशन एंजॉय करते देखा जाता है तो कभी दोनों साथ में योगा करते नजर आते हैं। अब इब्राहिम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसे सारा से जोड़कर देखा जा रहा है। जी हाँ, इब्राहिम ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में इब्राहिम अकेले पूल में नजर आ रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने ब्रिटिश लेखक के मशहूर लेखक विंस्टन चर्चिल को कोट करते हुए लिखा है, अगर आप बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो बुरे वक्त को गुजर जाने दीजिए। आपको बता दें कि ड्रग कनेक्शन में नाम आने के बाद सारा अली खान ने मीडिया और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी हुई है। ना ही वो आते जाते इन दिनों मीडिया से बात करती है और ना ही सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है। इससे पहले सारा लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती थी। सारा का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट 10 सितंबर का है। नेक्स्ट टाइम लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।